हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज वीरेंद्र। वेलकम टू माय चैनल डैडी समाधान। आईसीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज के इस पोर्शन में, जो कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है समाधान आईसीएस में, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने जो स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था किस तरीके से फाइनली थर्ड कर्नाटिक वॉर ओवर हुई और किस तरीके से जो फ्रेंच की गवर्नेंस थी वो कहीं ना कहीं चरमरा गई और ब्रिटेन के हाथ में पूरी तरह से पावर चली गई। अब इसके बाद में कोई भी ऐसी बहुत यूनिफॉर्म पावर भारत में नहीं आई जिस जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रही। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई ओनली ब्रिटिशर्स गॉट सक्सेस इन इंडिया बट नॉट अदर यूरोपियन पावर। व्हाई ओनली ब्रिटिशर्स गॉट सक्सेस इन इंडिया व्हाई नॉट अदर यूरोपियन पावर। माई डियर फ्रेंड, ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड अदर स्मॉल एग्जाम्स लाइक SSC और IBPS में भी कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनरल स्टडीज के पार्ट से अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी करो उसमें भी कहीं ना कहीं छुटमुट क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ डेज UPSC इज आस्किंग यू टू राइट एन आंसर। तो अगर आपको रिगार्डिंग इसका आंसर लिखना आता है कि वाई ब्रिटिशर्स रिमेन इन द पावर एज अ लाइक बेस्ट यूरोपियन अमंग अदर यूरोपियन पावर्स, सो यू कैन राइट, यू कैन कोरिलेट विद द आंसर विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड द सीरीज आई इन्फॉर्म्ड यू दैट व्हाटसोएवर is my preparation, I am actually preparing it from the spectrum, so you can take down it from spectrum also, or better you can rely on this video lecture पे भी आप जो है rely कर सकते हैं। Start करते हैं कि क्यों अंग्रेज भारत में रहे थे और उनको किस तरीके से सिर्फ अंग्रेजों को ही मुख्यतः सत्ता मिली थी। फ्रेंच के बाद में एक और जो यूरोपियंस थे इंडिया में आए थे, they were from Denmark से के लोग थे, उनको डेनिश बोला जाता है। डेनमार्क के लोग भी जो इंडिया में आए थे, स्पेनिश के जो स्पेन के लोग थे उनके साथ में मिलकर इंडिया में आए थे, लेकिन उनको भी कुछ खास भारत में हासिल नहीं हुआ। और उनका जो मुख्यतः एक इम्पॉर्टेंट रोल था, दे वुड लाइक टू, अगेन आई वुड से दे वुड लाइक टू इम्पोर्ट क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन इन इंडिया, बट उनको ना उसमें क्रिश्चियनिटी में कुछ खास मुनाफा हुआ और ना ही वो अपने व्यापार को लेकर भारत में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर पाए। तो डेनिस के बारे में या डेनमार्क के बारे में कुछ ज्यादा सवाल भी नहीं होते, बट यस दे केम टू इंडिया अलॉन्ग विद स्पेनिश जो स्पेन के थे उनके साथ में भारत में। अब आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि व्हाई ब्रिटिशर, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी एंड नेचर, जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर था ट्रेडिंग कंपनी का, नेचर था जिस वजह से वो भारत में लंबे समय तक रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव ऑप्टेड अदर लाइक अदर देन द ब्रिटिशर्स व्हाट द गवर्नमेंट, बट ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी सत्ता में लोग आए थे, चाहे फ्रेंच है चाहे पोर्टुगीज है, वो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी की अथॉरिटी से ही आए थे, यानी कि सरकारी कंपनियों कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट दखलंदाजी थी। लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन ने एक कमेटी बनाई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो कि प्राइवेट लोगों की कमेटी थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी थी उन्होंने कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लंदन में रिपोर्ट करती थी डायरेक्ट मोनार्क को, हालांकि रिपोर्ट करते थे, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो भी यूरोपियंस आए थे भारत में, उनमें जिन्होंने भी अपने इंडिया में ट्रेनिंग करने की स्टार्टिंग की, दे हैव टू टेक एवरी क्वेश्चन पॉइंट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको हर चीज की परमिशन सरकार से लेनी पड़ती थी। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉलिसीज के ऊपर में, अपनी आर्मी को एग्जीक्यूट करने के ऊपर, अपनी पॉलिसी में फोर्टिफाई यानी किले वगैरह जब बनाना चाहते थे उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार के पास में जब बजट अलोकेट उनको करते तभी वो उसको आगे यूटिलाइज कर पाते थे, और जो भी रेवेन्यू वो इंडिया से कमाते थे उनको बार बार उस रेवेन्यू का शेयर गवर्नमेंट को हमेशा देना पड़ता था। बट इन केस ऑफ ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में रिपोर्ट करती थी, उनके साथ में ऐसा नहीं था। दे हैव टू ओनली पे द टैक्स, उनको टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू का बहुत ज्यादा बड़ा शेयर गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता। एंड क्योंकि दे वर द प्राइवेट प्लेयर्स, सो मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट प्लेयर्स ओनली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं था किसी भी तरह का अगर वो फैसला लेना चाहते तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी इज मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड द नेचर वॉज टू अर्न प्रॉफिट नॉट टू ऑलवेज आस्क द परमिशन। लेकिन इन केस ऑफ अदर यूरोपियंस दिस सिनेरियो वाज समथिंग एल्स। एंड फ्रेंच मोनार्क के केस में क्या था, 60-40 रेशियो था, जो 60% जो भी अर्निंग होगी वो डायरेक्ट फ्रेंच के क्राउन को, जो फ्रेंच के राजा है मोनार्क है उनके पास जाएगी, 40% जो अर्निंग है कंपनी के पास रहेगी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट है दैट वाज लैकिंग, तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लगा ज्यादा बिजनेस अगर करने के, व्यापार के
मुद्दे से भी भारत में आए तो उन्होंने भी कुछ बहुत ज्यादा जो है नहीं परफॉर्म किया गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ खास उनको नहीं दिया। और इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई भी कंपनी जब तक कंपनी बन सकती है जब तक आप फॉर्मली उसके साथ में रेगुलर मीटिंग ना करो। रेगुलर मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी इफ यू आर परस्यूइंग योर एमबीए, इफ यू आर थिंकिंग टू परस्यू योर एमबीए, सो यू विल कम टू नो व्हाइल यू आर स्टडिंग मैनेजमेंट को आप पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड मीटिंग इन एवरी लाइक इन एवरी हाफ ईयरली, इन एनुअली और इन क्वार्टरली और मंथली व्हाट्सएवर, हर महीने में, हर 3 महीने में, 6 महीने में इस तरह की मीटिंग्स होती रहती है देखने के लिए आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। लेकिन ऐसी मीटिंग फ्रेंच में बहुत लंबे समय तक नहीं रही। दैट वॉज द टाइम ऑफ 1725 एंड इट केम टिल 1765, जब एक 7 ईयर वॉर जो थी फ्रेंच और ब्रिटेन में खत्म हो गई, उसके बाद में कोई मीटिंग वगैरह की वहां पे शुरुआत की गई, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट पिक्चर में आए। लेकिन तब तक कुछ खास फ्रांस में इस कंपनी को लेके, जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांस इंडिया में एस्टेब्लिश की थी, उसको लेके कुछ खास मिनट से मीटिंग वहां के मोनार्क या राजा के द्वारा नहीं किए, कि इसीलिए भी जो अर्निंग थी जो बाकी यूरोपियंस या फ्रेंच की वो कहीं ना कहीं लैकिंग रही और ब्रिटिशर्स ने अपना सत्ता बना ली। नेक्स्ट है नेवल सुपीरियरिटी। जो ब्रिटेन थे उनकी जो नेविक सुपीरियरिटी दैट वाज बेटर देन एनी, इफ आई विल से पुर्तगीज की भी जो नेविगेशन था, नेवी में हाथ था, बहुत अच्छा था, उनको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी नेवल सुपीरियरिटी की। लेकिन लेटर ऑन व्हेन ब्रिटिशर डिफीटेड पुर्तगीज, व्हेन ब्रिटिशर डिफीटेड फ्रेंच, जब उन्होंने दोनों को हरा दिया, सो वी एबल टू एनालाइज दिस थिंग कि दे वर बेटर इन सुप्रीमेसी ऑफ नेवी, उनकी जो नेवल बेस था, सुप्रीमेसी थी, वो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा अच्छी थी। और कहीं ना कहीं जितने भी यूरोपियंस है, दे केम टू इंडिया फ्रॉम ऑफ रूट फ्रॉम द लैंड बट इन रूट फ्रॉम द सी, क्योंकि सी से इन रूट होकर आए थे, तो इनकी नेवल सुपीरियरिटी अच्छी होनी भी बनती थी। इसीलिए ब्रिटेन ने अपनी नेवल की सुपीरियरिटी को हमेशा हरदम उसको धीरे धीरे करके अपडेट करते रहे, उसमें कुछ ना कुछ जो टैक्टिक्स से उस अपनी जो नेवल बेस था उसको अपडेट करते रहे, नॉट ओनली फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द मिलिट्री परस्पेक्टिव को भी उसमें हमेशा बेहतर करते रहे। सो रॉयल इंग्लिश नेवी वॉज बेटर देन एनी यूरोपियन। पुर्तगीज एंड फ्रेंच गॉट डिफीटेड ड्यू टू सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस वजह से इन दोनों की हार भी हुई थी पुर्तगीज और फ्रेंच की। तो हम बोल सकते हैं नेवी सुपीरियरिटी भी अंग्रेजों की कहीं ना कहीं बाकी यूरोपियन कंपनी से बेटर थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इसमें अहम रोल रहा है। मशीन्स लाइक स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, इस तरह की मशीन जो है प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती थी। सच काइंड ऑफ मशीन एक्चुअली हेल्प इन देयर प्रोडक्शन, तो जिससे कि अर्निंग कैपेसिटी हमेशा बनी रही, इनको हमेशा जो बैकअप था पैसों का उसकी कभी भी कोई खामी नहीं हुई, अर्निंग कैपेसिटी बनी रही। बिकॉज अर्लियर रेवोल्यूशन हिट टू द ब्रिटेन टू द इंग्लैंड एंड लेटर हिट टू अदर यूरोपियन पार्ट, तो क्योंकि इन्होंने पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एंजॉय किया था, बाकी जगह पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में आया, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज जैसे फ्रांस है, स्पेन है या पुर्तगाल है, बाकी जो भी डेनमार्क है, बाकी कंट्री, दे वर एनी हाउ डिपेंडेड इनिशियली ऑन द ब्रिटेन। सो एक्चुअली इन दैट एरा ऑफ इनिशियल 18th एंड 19th सेंचुरी के जो शुरुआत का अगर बात करूं, ब्रिटेन एक्चुअली क्रिएटेड देयर हेजिमोनी, उनकी अपने आप में हेजिमोनी पकड़ या दादागिरी यूरोपियन मार्केट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके हो गई थी। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि उन्होंने अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश किया बहुत प्रोमिनेंट तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री स्किल्स एंड डिसिप्लिन, मिलिट्री वॉज वेल ट्रेन्ड, जो ब्रिटिश की मिलिट्री दैट वॉज वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड, उन्होंने कभी भी मिलिट्री को थोड़ा सा भी नहीं इस तरह का अगर इसको बोला जाए किसी भी तरह का कोई रूम नहीं दिया कि अब वो अपना डिसिप्लिन खराब करे, अपना डिसिप्लिन खराब करे और उनके स्किल में कभी ना कोई किसी तरह खामी आए। देवर ऑलवेज हमेशा वो उनको वेल ट्रेन रखते थे, वेल अपडेटेड रखते थे, उनके स्किल हमेशा अपडेट करते थे, रेगुलर उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाते रहते, तो दे वर नॉट ओनली इंथुजेस्टिक ऑन दैट ट्रेडमैनशिप, से व्यापार की तरफ ध्यान नहीं था उनका, अपनी मिलिट्री को भी लेके दे वर वेरी वेरी सीरियस। एंड वो हमने लड़ाइयों में भी देख लिया, जब उन्होंने 3 कर्नाटिक वॉर जीती थी, इससे पहले भी कोई भी अगर किसी भी तरह की नेवल की लड़ाई हुई उसमें भी उनको हमेशा ही जीत ही मिली। एंड दे कैपेबल टू डिफीट लार्जर आर्मी विद द लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स बिकॉज दे ऑलरेडी हिट बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो अगर कोई बड़ी आर्मी भी आ जाए उनके पास में इस तरह के आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस तरह के वेपन्स अवेलेबल थे, दे आर एबल टू डिफीट अ वेरी ह्यूमंगस फॉर्म ऑफ आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी को भी डिफीट करने के लिए दे वर ऑलवेज रेडी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन का अच्छा था। देन द स्टेबल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन, इन फ्रांस द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, दैट वाज द वेरी वायलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इन 1789,
1799 की उपस्थिति नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कभी मैं आपको अलग लेक्चर बता दूंगा, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में इक्वलिटी को लेके हुआ था, जो उनका कैपिटलिस्ट एक वहां पे सत्ता बन रही थी उसको खत्म करने के लिए हुआ था, मोनार्क को गिराने के लिए रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो थॉट प्रोसेस था उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग के बाद से देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज नेपोलियन बोनापार्ट केम इनटू द पिक्चर। नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में एक इंपॉर्टेंट वहां पे पोस्ट भी होल्ड की, लेकिन बाद में उसके भी जो फ्रांस की गवर्नमेंट के अंदर लोग थे वो उसके अगेंस्ट में जाने लगे। लेटर ऑन थिंग्स गॉट आउट ऑफ द ट्रैक, चीजें आउट ऑफ द ट्रैक जाने लगी, जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जो फ्रांस की खुद की अपनी अंदर की सत्ता थी वो बहुत ज्यादा चरमराई हुई थी, वो बहुत ज्यादा उसके खुद की डिपेंडेंसी कुछ ठीक नहीं थी। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज ऑफ द फ्रेंच वटेवर से उनके पास में कॉमर्स का कुछ अच्छा सोर्स नहीं था, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी इकोनॉमी रेवोल्यूशन की वजह से चरमराई हुई थी, एंड दिस गिव ए ग्रेट रूम टू द ब्रिटिशर्स to defeat France in India in all kind of wars, in all kind of spheres. सिर्फ लड़ाई में नहीं, सभी spheres, commerce में भी, क्योंकि लड़ाई के लिए, जंग के लिए you need to have the backup. आपको backup चाहिए and backup you only get when your economy is strong. But in case of France, because of revolution, because of n number of attacks by the Napoleon Bonaparte, उनकी economy बुरी तरह से धराशायी हो गई थी। Spain के case में भी same ही हुआ था वहाँ पे भी, क्योंकि Napoleon Bonaparte का कहीं ना कहीं relation Spain से था, दोनों ही रीजन में उस यूरोपियन का वो जो एक पूरा पोर्शन था वो धराशायी हो गया था और ब्रिटेन को इसका पूरा फायदा हुआ। इन द वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन 1789 एंड नेपोलियन वॉर्स, एक तो ये रीजन था, डच एंड स्पेन वर इनटू 80 इयर्स वॉर, इनके बीच में एक 80 साल का युद्ध हुआ था, शीत, पहले गर्म युद्ध रहा फिर बाद में शीत युद्ध रहा, जिसके बाद में कुछ उनके डिविजन हुए, जमीन के टुकड़ों को लेकर विवाद था वो बाद में खत्म हुआ, लेकिन 80 साल का एक बहुत बड़ा ये जो संघर्ष चला ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था वहां पे अनस्टेबल गवर्नमेंट होने का, एंड लेटर लेट टू द बैंकरप्सी, और सबके सब का बाद में धीरे धीरे करके जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनका दिवाला निकल गया, और सभी का फायदा किसको हुआ, इंग्लिशर्स को, ब्रिटिशर्स को इनका बहुत फायदा हुआ, एंड इंग्लैंड विटनेस स्टेबल एंड सपोर्टिव मोनार्क, इंग्लैंड के गवर्नमेंट सिर्फ स्टेबल नहीं थी बट ऑल्सो देवर सपोर्टिव, उनका सपोर्ट भी करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट लेसर जील फॉर द रिलीजन, इनके अलावा जो भी ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी लोग आए थे, मैं चाहे पोर्टुगीज की बात करूं, देवर एनी हाउ इन्फ्लुएंस्ड विद द प्रोसेस ऑफ रिनासांस, रिनासांस की थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो चाहते थे इंडिया के अंदर में क्रिश्चियन मिशनरीज को फैला के इंडिया में इस्लामिक रिलीजन खत्म कर दें, हिंदुइज्म को भी कहीं ना कहीं वो उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की, उन्होंने इसी चक्कर में एक बहुत बड़ा रीजन था, इनकी लड़ाई हो गई थी जो इंडिया में मुगल्स थे उस समय के, बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इनका साथ दिया था, वहां के मुगल्स ने, बाद में जो फ्रेंच के लोग थे उनकी भी कहीं ना कहीं मनोदशा थी, वो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा अपने रिलीजन को फैलाए, क्रिश्चियनिटी को फैलाए। उसके बाद में डेनमार्क के लोग आए थे, दे वर आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक, दे वर आल्सो इनटू द ज़ील टू कीन इंडिया टू मेक ए क्रिश्चियन कंट्री, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यहां पे अगर बात करो अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की बात करो, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी वॉज अ प्रायोरिटी ऑफ डच, डेनिस, पुर्तगाल एंड स्पेन, बट ब्रिटेन हैड नो सच ज़ील, लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कोई ज़ील नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने ट्रेड को, कॉमर्स को, मिलिट्री को बढ़ाने पर ध्यान दिया रैदर देन पॉलिशिंग देयर रिलीजन जील को कभी उन्होंने पॉलिश करने पे, बढ़ाने पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा जिसके वजह से लास्ट में यूरोपियन मार्केट जब जाने लगी, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत में राज किया। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट यूज ऑफ डेट मार्केट की बात करो, जैसे कि हम आज शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट का जो चलन है, जो डेट मार्केट का चलन है, जिसको हम डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, सरकार अपनी अपनी खुद की एक कंपनी तैयार करती है, उसमें से अपनी कंपनी का कुछ ना कुछ हिस्सा वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देती है, इस प्रोसेस को हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए या फिर आप डेट शेयर मार्केट बोल लीजिए, इक्विटी मार्केट बोल लीजिए, यानी कि अगर आपने एक रुपया लगाया तो आप एक रुपये के भागीदार हैं कंपनी से मुनाफा लेने के लिए। तो उन्होंने ये प्रोसेस जो बैंकिंग का है, डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, इंडिया में स्टार्ट कर दिया था उसी समय, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में, उसी सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब तक किसी और कंट्री के पास में इस तरह की कुछ बैंकिंग को लेकर कुछ खास और इंपॉर्टेंट इनपुट्स भी नहीं थे, तब इंग्लिश ने इंडिया में एक डेट मार्केट का कल्चर स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम लंदन में स्टार्ट किया था, उसके बाद में डिस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, कोई भी कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, गवर्नमेंट कंपनी बनती थी लेकिन वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी को दे देती थी, प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को खरीदती थी, जिससे गवर्नमेंट के पास में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती थी। और क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने अपने आप गवर्नमेंट की कोई कंपनी या कोई कहीं ना कहीं से कहीं निवेश लगा लिया, तो प्राइवेट कंपनी को भी ऐसा लगता था क्योंकि हमने निवेश लगाया तो अपना आप पैसे की भरपाई करेंगे, भरपाई कैसे की जा सकती, ओनली बाय द कॉमर्स,
व्यापार करने से, व्यापार करने की इच्छा में उन्होंने भारत में अपना व्यापार भी फैलाया और बाद में उन्होंने इस बात को 200 साल तक आगे भी लेके गए। तो यूज ऑफ डेट मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड डिसइन्वेस्टमेंट सिस्टम हेल्प ब्रिटिशर्स टू कीप देम अपडेटेड विदाउट एनी बर्डन ऑन गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर में कभी फंड का बहुत ज्यादा तनाव या बर्डन इस पे नहीं दिया गया, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, सरकार की काफी हेल्प की। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड कि क्यों अंग्रेज भारत में लंबे समय तक रहे बाकी यूरोपियन मार्केट के को अगर कंपेयर करें तो। मैं आपको इस स्क्रीन के साथ में कुछ समय के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट्स फ्रॉम दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।